आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास फ्लायर ट्राई फोल्ड फ्लायर की मैंने आपसे बात की थी। हम लोग वो एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे और उसमें आर्ट बोर्ड का थोड़ा सा इशू होता है कि आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उससे पहले एक इंटरनेट के ऊपर डिबेट चल रही है कि ये इमोजी जो है ये किस चीज़ का। थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए मुझे बताइएगा कि ये इमोजी किस चीज़ का। इंटरनेट पे डिबेट चल रही है कि वो कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये इमोजी किस काम के लिए यूज़ होता है? हम एज ए डिज़ाइनर, क्योंकि हम ग्राफिक्स को जानते हैं, तो हमें क्या फील आती है इस इमोजी को देख के? यहाँ पे आपके साथ सॉरी शेयर नहीं हो रही, अब देखिएगा। अब नॉर्मल जो इसके यूजेज हैं वो प्रेयर के लिए, ठीक है, दुआ मांगने के लिए, या थैंक यू के लिए, या हाई फाइव के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। मेन जो चीज़ है कि मैंने एज अ डिज़ाइनर इसमें चेंजेस किए कि जिससे माइनर चेंजेस के साथ, बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ ये एक्चुअल जो मीनिंग हमें देना है वो दे सकें, ठीक है। जस्ट एक डिबेट थी तो उसमें लोग इनपुट दे रहे थे अपना कि हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं ताकि जो थैंक यू कहना चाहता है वो थैंक यू कह सके, हाई फाइव किस तरह इसको क्रिएट की जा सकती है, या प्रेयर के लिए कैसे यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस किए जिससे ये एक्चुअल मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको प्रेयर पे लेके आते हैं तो ये इस तरह से इसके अंदर हम हल्का सा ये हॉली जो सर्कल होता है इसको ऐड कर सकते हैं जिससे वो एक प्रेयर की फील दे रहा होता है, ठीक है। उससे प्रेयर क्रिएट हो सकती है। थैंक यू नॉर्मली ये जस्ट जैसे ही है उसी तरह ये थैंक यू के लिए यूज़ हो सकता है। हाई फाइव के लिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर चेंज, कि ये एक्चुअल में हाई फाइव लगे। कलर चेंज करते हैं शर्ट का, मैंने भी वही चीज़ की और इस तरह से अब ये ज़्यादा हाई फाइव की फील आ रही है, ठीक है। तो ये जस्ट डिज़ाइनर जो सोल्यूशंस हैं कि एक ग्राफिक को कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि वो, क्योंकि हमें पता है कि डिज़ाइन जो है वो तभी कामयाब होता है जब वो हर बंदे को सेम मीनिंग दे रहा हो। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि हम इस इमोजी को थोड़ा सा बेहतर कर सकें, ठीक है। ओके, सो ट्राई फोल्ड फ्लायर पे आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने डिफरेंट ट्राई फोल्ड फ्लायर्स देखे भी होंगे, आप लोगों के माइट बी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं या एजुकेशन की जो एकेडमीज़ वगैरह या स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं उनके भी ट्राई फोल्ड फ्लायर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास नॉर्मली इस तरह के ट्राई फोल्ड फ्लायर यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि ट्राई फोल्ड जो है वो वहाँ पर यूज़ हो रहा था जहाँ पर आपके पास कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, पोस्टर के ऊपर आप ये सारा कॉन्टेंट ऐड नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग इस तरह के ट्राई फोल्ड के अंदर जो है वो कॉन्टेंट कॉलम्स में क्रिएट करके ऐड कर रहे होते हैं। हमने चीज़ पढ़ी भी है कि जब हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो तो हम लोग कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग सिंपल कॉलम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ओके, एक सेकेंड, ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैंने साथ साथ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ट्राई फोल्ड फ्लायर्स होते किस तरह के। फिर हम इसके क्रिएशन पे जाएंगे, इसको क्रिएट करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्रिएट करना भी आ जाए, ठीक है। मैंने इसलिए बताया आपको इसकी मल्टीपल टर्म्स हैं, मल्टीपल नाम हैं। आप क्लाइंट से एक दफ़ा कंफर्म कर लो उसको इमेज सेंड करके कि आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ चाहिए। आपको ब्रोशर चाहिए, फ्लायर चाहिए, पोस्टर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है मुझे जी पम्फलेट चाहिए तो उसको ये वाला इमेज सेंड कर दो कि ये इस तरह की चीज़ आपको चाहिए, तो वो बता देगा हाँ जी ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक तो आपके पास इसकी फोल्डिंग आती है इस तरह से, ठीक है। ये पहला फोल्ड खुलेगा, फिर दूसरा फोल्ड खुलेगा और सेंटर वाली चीज़, एक फोल्डिंग आती है जिगजैग में, ठीक है, इस तरह से जिगजैग के साथ दोनों फोल्डिंग्स होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो यूज़ होती है वो ये वाली फोल्डिंग ही यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे है कि फ्रंट फ्लैप आ रहा है, फिर उसके अंदर एक और फ्लैप है और फिर अंदर से वो ओपन होता है। ये मैं आपको क्रिएट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन क्रिएट इसका क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका आर्ट बोर्ड जो है उसमें थोड़ा सा इशू आता है कि आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट होगा, तो वो मैं आज आपको करवा दूंगा और साथ में एक आध डिज़ाइन भी देख लेंगे। उसके अलावा एक और ये डिज़ाइन है इसका, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हम कोशिश करेंगे आज ये डिज़ाइन भी क्रिएट करके देखें। फॉर एग्जांपल, अगर ये हम बैनर की जैसे शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये वाली हमने शेप क्रिएट करनी है ये कैसे क्रिएट होगी, तो ये हम आज चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और मिनिमल डिज़ाइन है, ज़रा मॉडर्न अप्रोच है, और आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ एटलीस्ट क्रिएट कर लेंगे। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेक्स्ट इसमें सिंपल लॉरेंसम लगाया हुआ, उसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ इसकी लेआउट है, ठीक है। तो वो आज आप लोग देख लीजिएगा, बेशक स्क्रीनशॉट लेके तो इसको आप लोग दोबारा रिक्रिएट करके देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जूम इन कर दिए इन केस अगर आप लोग इसको कलर वगैरह पिक करना चाहते हो उसमें से। तो ओके, सो एक और ये डिज़ाइन है इसके अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और मॉडर्न डिज़ाइन है। मेन चीज़ यही है कि आपने इसका आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट करना है वो मैं भी आपको करवाता हूँ।
और बाकी वही टाइपोग्राफी, वही सारा इसमें अलाइनमेंट वगैरह, वही सारा कुछ आ रहा होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने जब भी फ्लायर डिज़ाइन करना है या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश ये करें कि पहले आपको चीज़ पता हो कि इसमें से कौन सा कंटेंट ज़रूरी है, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें रिमूव कर दें जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट से आप कह सकते हैं कि क्लाइंट से अगर बात कर लें कि ये जो टेक्स्ट आपने ऐड कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं या इसको हम लोग कॉन्टेंट में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक तो फॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा और एक क्लाइंट के साथ आप उसको सिंपल कह के ट्रिम करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन ठीक लगे या क्लाइंट ऑप्शन आपको दे तो आप उसको स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपका फ्लायर क्रिएट करना। ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगा कैमरे के सामने आपको पेपर बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। इधर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। आपने पेपर को फोल्ड करना है ये इस तरह से, हाफ इसका नीचे आएगा और हाफ इसका ऊपर आएगा, यानी कि एक रोल बन जाएगा इसका, ये इस तरह। ठीक है, ये और यूँ इसको रख के प्रेस करते हैं सारी साइड्स इस तरह से। ठीक है, अभी बिल्कुल स्ट्रेट कॉलम्स नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप पेपर को इस तरह ओपन करेंगे, एक फ्लैप आ जाएगा इसका इस तरह, और फिर दोबारा ओपन करेंगे तो ये दूसरा फ्लैप आ जाएगा, जैसे आपके नॉर्मल ट्राइफोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से एक पेपर बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके इस पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या बनाया है हमने। जिनको समझ आ गई है वो बेशक फ़ोल्ड कर ले, मैं दोबारा फ़ोल्ड करवा दूँगा। मैं ज़रा इस पर लिख लूँ ताकि हमें ज़रा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास ओके, अभी यहाँ पे देख लें इस तरह से आप लोगों के पास ये हाफ में आ जाएगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ थोड़ी सी वाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ये इस तरह से आपका ओपन हो रहा है और एक आपका ये है। ठीक है, ये वाला अंदर है, ठीक है, और ये वाला उससे बाहर है। ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, नज़र नहीं आया, एक सेकेंड, यहाँ पे देखें। ठीक है, से मैंने लोगो लिखा हुआ है, ये आपके फ्रंट फ्लैप के ऊपर लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका अबाउट सेक्शन, यहाँ पे टैगलाइन भी लिख सकते हैं जो भी आपकी चीज़ है। उसके बाद आपका पूरा ये ओपन होगा इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास सर्विसेज, पोर्टफोलियो और रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे बताएं टोटल कितने सेक्शन आपके पास आ गए हैं, टोटल कॉलम कितने आपने देख लिए। एक पहला आपके पास आ गया लोगो वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो आएगा, अगर ये क्लियर हो सके मज़ीद। यहाँ पे आ रहा थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं लाइट ज़रा कम करके देखता हूँ। आई गेस सब शायद क्लियर हो। नहीं, स्टिल नो लग। चलें, फ्रंट पे जस्ट आपके पास यहाँ पे लोगो आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा। ठीक है, फ्लैप इस तरह से बन रहा है, क्यों, ठीक है, ये वाला फ्लैप, ये इस तरह से आपके पास एक फ्लैप बन रहा है, इसमें यहाँ पे आपके पास अबाउट अस आ गया, और इसको ओपन करोगे तो ये कंप्लीट आपके पास रिव्यूज़, पोर्टफोलियो और सर्विसेज आ जाएंगे। अब ये पाँच थे, और इसके बिल्कुल बैक साइड पर यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा इधर सेंटर में। ये ज़रा मैं देखता हूँ लाइट ऑन करके इसको क्लियर करेंगे।
ठीक है, इस तरह से कॉन्टेक्ट आ जाएगा सेंटर में। कैमरे की कोई लाइट नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं स्क्रीन की शायद लाइट है इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। एक सेकंड मैं दोबारा इस पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, अंदर वाली साइड पर। और यूँ अगर हम इसको बंद करेंगे इस तरह से, तो ये चीज़ आपके पास, सॉरी, इस तरह से बंद करेंगे, ये आपके पास लोगो आ जाएगा टॉप पे, ठीक है, और ये आपके पास अबाउट अस। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा फ्लायर क्रिएट हो रहा है। मेन चीज़ अब इसका आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, ये अपने पास इस तरह पेपर फोल्ड करके उसका आप लोग लिख लें सारा कुछ इसके ऊपर जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, फिर हम इसका आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे ताकि वो ईजिली क्रिएट हो जाए, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर आ रहा होगा। चलें जितना हो गया है उतना कर लें, ठीक है। अब आई होप पेपर फोल्ड हो गया होगा, मेन चीज़ पेपर फोल्ड करना इस तरह से, ठीक है, ये जो चीज़ है इस तरह यूँ बंद होगी और ये टॉप पे बंद होगा और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, रिपीट कर रहा एक दफ़ा, यहाँ पे अबाउट अस आएगा, ठीक है, अंदर वाली साइड, और जब फुल ओपन कर लेंगे तो यहाँ बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ओके जी, चलें ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आर्टबोर्ड्स पे। मुझे बताएं इसका हम लोग आर्टबोर्ड साइज़ रखेंगे जी सिंपल A4 के दो आर्ट बोर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ से एक दफ़ा इसको ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक हो गया। और सिंपल फाइल में जाके न्यू, ठीक है, और यहाँ से A4, ठीक हो गया। और ओरिएंटेशन आपने रखनी है लैंडस्केप में, ठीक है, लैंडस्केप में ओरिएंटेशन आ जाएगी। और आर्ट बोर्ड मुझे बताएं इसे कितने आएंगे, 6 आएंगे या 2 आएंगे। इसको मैं इंचेज में कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए मसीद, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से प्रिंट में जाके A4 ले सकते हो, या चाहो तो ये वाली डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर दें, ठीक है। अब मुझे बताएं इसके आर्ट बोर्ड कितने होंगे। ओरिएंटेशन में आपको बताता हूँ, लैंडस्केप होगी क्योंकि हमारा पेपर लैंडस्केप में यूज़ हो रहा है। ओके, आर्ट बोर्ड 2 होंगे, ठीक है जी, 2 होंगे। अक्सर औकात लोग 6 आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं इसके, लेकिन 6 नहीं क्रिएट होंगे इसके, 2 आर्ट बोर्ड ही यूज़ होंगे, ठीक है। और सिंपल यहाँ से क्रिएट क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से 2 आर्ट बोर्ड क्रिएट होंगे। अब बात यह है कि इसको बनाना किस तरह से है। सबसे पहली चीज़ हमने ये करनी है कि हमें इसको 6 कॉलम में डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा ईजी करने के लिए यहाँ से जो हमारे पास ये आर्ट बोर्ड है इसको इस तरह से ऊपर नीचे रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही को हम डिवाइड करें, दोनों डिवाइड हो जाएं। अच्छा, एक तरीका ये है, आपको मैंने पहले बताया कि इसको कॉलम्स में डिवाइड करने का, कि एक तरीका ये है कि हम या तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करें, जिसको गाइड्स वगैरह क्रिएट करने में इशू है, वो गाइड्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट करें यूँ, ठीक है, और सॉरी यहाँ से, ठीक है, और उसी कॉपी क्रिएट कर दें और एक और कॉपी इसकी क्रिएट करें एग्जैक्ट सेम साइज़ के अंदर, ठीक है, ठीक है। सिंपल मैं इसको यहाँ से अब ग्रुप करूँगा, ठीक है, और हम यहाँ से सिंपल इसको ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब जब मैं ड्रैग करूँगा इस पूरे ग्रुप का, तो ये सारी बराबर आपस में इक्वल आएंगी, ठीक है। दोबारा देखने मैंने क्या किया है, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, जिनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होती है कि ये पता नहीं क्या कर दी है। तो सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट कर, किसी भी साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना कर लें किसी भी साइज़ का, और आपने उसी की कॉपी क्रिएट करनी है फिर, ठीक है, और बिल्कुल लेजिस पे रखनी है इस तरह से, ठीक हो गया, कि तीनों आपस में इक्वल आ जाएं। और फिर तीनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, ग्रुप कर लें और यहाँ से आप इस तरह से उसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास टोटल इस तरह से कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रूलर ऑन करते हैं कंट्रोल आर से, ठीक है, और गाइड्स ऐड करते हैं। एक गाइड ऐड की यहाँ पे बिल्कुल एज पे, अब ये देखिएगा नीचे वाला भी साथ ही इक्वल हो जाएगा, और एक गाइड और ऐड की, क्योंकि हमें 3 कॉलम बनाने, तो हम यहाँ से गाइड्स ऐड करते जा रहे हैं और एक एंड पे आ जाएगी, 1, 2 और 3 कॉलम, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट कर लें, अलाइन में जाएँ, अलाइन टू सिलेक्शन, और इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ये सारे आपके पास ईजिली कॉलम में आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है आपके पास कॉलम्स क्रिएट करने का। ओके, अब हम लोग करते ये हैं कि हम इनमें से ये सारे ईजी डिज़ाइन है, ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम लोग कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने की, और इसको देख लेते हैं कि कैसे बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। सो हम लोग ये वाली जो चीज़ है, पहले लेफ्ट साइड वाली,
मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो आर्ट बोर्ड है और हमारे पास जो पेपर है उस पर हमने लिखा था कि लोगो और अबाउट अस, वो सारा कुछ। तो पहले मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि कहाँ पर क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसके मैं यहाँ पर लोगो लिख रहा हूँ और सिंपल मैं इसका यहाँ से टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। सॉरी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से वाइट कर देंगे ताकि हमें पता हो कि हमने किस सेक्शन में क्या चीज़ लिखनी है। अगर आप लोग अपना पेपर देखो तो उसके ऊपर इसी तरह से लोगो आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और मैं जैसे रफ़ रख रहा हूँ, ठीक है, ये बाहर है आर्ट बोर्ड से, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अबाउट आ जाएगा और सेम उसी तरह से आपके नीचे वाले जो यहाँ पे आपने बनाए हुए चीज़ें उनके लिए भी यहाँ से ले जाएं। ठीक हो गया, और अगर अपना पेपर देखें तो उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यूज़। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो और यहाँ पे आपके पास सर्विसेज। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप लोगों ने यही चीज़ें लिखनी है। हो सकता है आपका जो क्लाइंट हो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हों, वो कहे कि नहीं, मुझे रिव्यूज़ नहीं लिखवाने, मुझे इन तीनों को सिंपल पोर्टफोलियो दिखाना है, या मुझे तीनों में सर्विसेज दिखानी है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अबाउट अस आया हुआ है और ये आपके पास टेक्स्ट है, तो इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो भी क्लाइंट अरेंजमेंट देगा, आपने वो पेपर पर डिज़ाइन कर लेनी है, पेपर पर क्रिएट कर लेनी है और फिर उसका आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक आर्ट जो नॉर्मल यूज़ होती है चीज़ वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, लोगो आता है, कॉन्टेक्ट आता है, अबाउट अस आता है, ये आपका वो कवर आ जाएगा और ये अंदर वाली चीज़ें जो हैं उसकी। ठीक है, सो हम लोग ये वाली लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसने इसमें क्या किया। पहले मैं इसे कलर्स ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट करूँ। सिंपल इसे कलर निकाल लेते हैं, फिर हम आगे से बाकी चीज़ें इसमें से कर लेंगे। एक ये वाला येलो है और उसके साथ इस साइड पे ऑरेंज है। ठीक हो गया, पहले हम लोग ये वाली साइड क्रिएट करते हैं कि इसमें क्या है। ओके, ठीक है, सिंपल हम लोगों ने इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और उसका कलर हम लोगों ने ब्लू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। लोगो के लिए आप कोई भी यहाँ पे शेप ऐड कर दें फिलहाल। ठीक है, इस तरह से मैं जस्ट यहाँ पे एक शेप ऐड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा लोगो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, ओके, मेन जो चीज़ है वो ये वाली है कि आपने ये बैनर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी आ जाएं। ठीक हो गया, सो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्रिएट क्या करना है, ये चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, कि ये बैनर की जो फील आ रही है इसके अंदर से, या आप अपने पोस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ कि यहाँ पे एक इमेज है, पहला जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो एक इमेज ऐड करना है जिसमें इतना गैप होगा इस एरिया में, और इसके नीचे एक वाइट उसने बॉक्स भी बनाया हुआ है यहाँ पर, वो भी हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, और कोई भी इमेज यहाँ से लेके इस तरह से पेस्ट कर दें उसको, इसे एम्बेड कर लें। ठीक है, इमेज जो है वो थोड़ा सा गैप के साथ है। ठीक है, यहाँ पे गैप के साथ है, और इसी तरह से इसको हम मास्क कर लेंगे इतना। ठीक हो गया, और इसको थोड़ा सा विजिबल कर लें ताकि हमें उसमें ऑब्जेक्ट नज़र आता रहे। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ कि हम लोगों ने एक ये वाली शेप क्रिएट करनी है, वो क्रिएट कर लेते हैं। ये कहाँ तक आ रही है, इसके एच तक आ रही है, इधर तक, इस तरह से। ठीक है, हम साथ साथ बिल्कुल उसकी हेल्प लेते जा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट वो चीज़ क्रिएट कर सकें एटलीस्ट। ठीक है जी, फिलहाल इसमें ये कलर करें और यहाँ से ग्रेडिएंट अप्लाई कर लें।
एक ये वाला और साथ में ये वाला, इस तरह से ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब इसको इस तरह की शेप में लेके आएंगे, ठीक है। इसका एक एंकर पॉइंट क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी इस तरह से। कहीं कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ है, आप सिंपल ट्राइंगल इसके साथ पेन टूल के साथ क्रिएट कर लो यूं, ठीक है। इस तरह से आपके पास पेन टूल के साथ आ जाएगा और आप इसमें यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। ग्रेडियंट का मसला सिर्फ ये है कि इसको आपने अब एडजस्ट करना है, देख लो कि ये बिल्कुल इसी के ऊपर आया हो। इसको फ्रंट पे लें, अरेंजमेंट टू फ्रंट, और इसको आप ले जाओ इस तरह से बैक पे, ठीक है। अब इसको आपने सेट करना है, आप ग्रेडियंट टूल से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख के इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास वो चीज़ बन जाएगा। अब ये बैनर हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गया, जिस तरह से यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क है इस वाले ऑरेंज का, मैं देखता हूँ कि हम लोग यहीं पे कलर डार्क कर लें इसका, ठीक है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो अब वो बैनर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ शेप्स ऐड की हुई हैं इसी तरह की, हम लोग यहाँ पे उसी तरह से शेप्स ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों को हम यहाँ से, मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ये वाली जो शेप्स हैं जो ये क्रिएट हुई हुई हैं डायगनल सी, इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ये सिंपल आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके टॉप वाले दो पॉइंट्स का सिलेक्ट करोगे, ठीक है, पाथ का, और ये आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इन सिंपल शेप्स को आप लोग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप कर लो, ये थोड़ा सा इसको पाथ को यहाँ से हल्का सा इसके साथ अलाइन करने के लिए, ताकि दोनों का एंगल सेम हो, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने ग्रेडिएंट करना है ये वाला, ठीक है जी, और इसके साथ आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहें। यहाँ पे इसमें बहुत लाइट सी की हुई है, हम इसको लाइट भी कर सकते हैं, आप कम करना चाहो इसकी विड्थ कम कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये आपके पास इस तरह से आता जाएगा, आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह और ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और इमेज ऐड कर लेते हैं, मैं सिर्फ लेआउट करवा रहा हूँ आपको कि लेआउट आपको आइडिया हो जाए किस तरह क्रिएट होगी। एग्जैक्ट डिज़ाइन आप लोग बना सकते हो उसका, शेप्स वगैरह इमेज वगैरह, ठीक है। इस तरह से ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना आता है, ट्राइंगल शेप्स वगैरह कोई इशू नहीं है। इस शेप को देख लें ये कैसे क्रिएट की है, या ये आप अगर अपने पोस्टर में क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले के ऊपर। इस पर अगर आप देखें तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। पहले इसको बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से अनस्प्लैश से इमेज ले लेता हूँ बिल्डिंग के, ताकि इमेजेस थोड़े अच्छे हो जाएं, एक दफ़ा हम क्रिएट कर ही लें कुछ। यहाँ पे आप लिखोगे जी सिटी, ठीक है, हमारे पास सिमिलर इमेज आ गया है। इस वाले को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग दूसरा इमेज ऐड करते हैं, इसको मास्क कर लें इतना, और इसको अरेंज सेंटर बैक, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसको आप बेशक वापस यहाँ तक ले आओ, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको एडजस्ट कर लें साथ साथ बिल्कुल इमेज के। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर लो, उसने कंपनी नेम लिखा हुआ है, हम भी यहाँ पे कंपनी नेम लिख देते हैं,
ठीक हो गया इस तरह से, और इसकी लाइन हाइट कम कर लेते हैं। जी ठीक है जी, चाहें तो इसको बीबस का जो सादा वर्जन आता है उसमें आपके पास माइट भी इसको लाइट करने की ऑप्शन ना हो, लेकिन चलें ठीक है। नीचे आप इसकी लाइन ऐड कर लो, ठीक है जी ओके। साथ साथ सेव भी करते जाते हैं हम, ये ना हो कि बाद में ये सेव ही ना हो। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और क्या है, ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है आप लोग इसी की लाइन यहाँ से, इस जगह पे लाके, सॉरी ये लाइंस पहले हमें बारीक वाली दोनों क्रिएट करनी पड़ेंगी साथ साथ इसी एंगल के ऊपर। ठीक हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा उसके बैक पे इसलिए इशू आ रहा, ठीक हो गया। ठीक है सर, रैंडम लाइंस ऐड कर रहे हैं हम, जस्ट लाइंस इतनी ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट कर दो एक कॉर्नर पे, ठीक है, और इसका कलर ब्लू कर लो। किसी हद तक ये चीज़ बन रही है, ठीक है, और एक इसका जो ग्रुप है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो इस तरह से। ठीक हो गया। कहते हैं किसी को डिज़ाइन करते देखना जो होता है ना वो भी थेरेपी होती है, आपको तो सुकून मिलता है बैठ के देखते हुए कोई चीज़ बन रही होती है, तो आप लोगों की मैं थेरेपी कर रहा हूँ, वहाँ से मैं थेरेपिस्ट हूँ आप लोगों का। ओके यहाँ पे हम लोग एक और इमेज ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा हो ये ले लेते हैं, चलें ठीक है जी। और इसको हम लोग सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इधर टेक्स्ट है और यहाँ पे डिज़ाइन है थोड़ा सा, ये ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बिल्डिंग का इमेज है वो उस अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से बिल्डिंग का इमेज ही लेते हैं, ये वाला, अच्छा जी ये आ जाएगा इस तरह से यहाँ तक। मैं इमेज के मामले में बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ चूज़ करने में, जब तक मेरे पास सही फील ना आए मुझे मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता कि ये सही इमेज है या नहीं। अभी भी मुझे ये कोई पसंद नहीं आ रहा, लाइट इमेज है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा मुझे इमेज चूज़ करने में टाइम लगता है, सो बेयर विद मी। ये ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे कलर्स थोड़े से चाह रहा हूँ कि वो शो हों, क्योंकि इधर जो हमारे पास दूसरा इमेज है उसमें नॉइज़ ज़्यादा है। इसको अलाइन कर लेते हैं टॉप पे, ठीक हो गया। और यहाँ से हल्का सा इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है परफेक्ट, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा
ये जगह पता नहीं क्यों इसने वाइट छोड़ी हुई है, इसको और बेहतर किया जा सकता था। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी टैगलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलें। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कॉन्टेक्ट अस वगैरह दिया हुआ है। इस तरह से ठीक हो गया। मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अलाइन आ रही हूँ। ठीक हो गया, और इस वाली को डिलीट कर लें। बाकी नीचे यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लें यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा। इसे मज़ीद आइकन वगैरह देने हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, चलें ठीक हो गया। अब बाकी यहाँ पे जो सैम्पल टेक्स्ट दिया हुआ है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। मेन जो चीज़ है टाइपोग्राफी, आप लोगों के सामने ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा यूज़ करना आए और आप बेहतर टाइपोग्राफी यूज़ कर सको। जो आपके लाइन हाइट वगैरह होती है दोनों का, जो आपस में स्पेस वगैरह है दो टेक्स्ट की, दो टेक्स्ट बॉक्सेस की, वो मैं ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोग वो ज़रा बेहतर कर सको अपनी। ठीक है, ओके। इसकी लाइन हाइट का ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं यहाँ से। इन सबको ग्रुप कर लें ताकि आपस की इनके अलाइनमेंट हम सेम कर सकें। ठीक हो गया। ठीक है, योर सैम्पल टेक्स्ट गोल्स हेयर आवर सर्विसेज, ठीक हो गया। इधर भी टेक्स्ट ऐड कर लें इसी तरह से। अच्छा, अक्सर का एक ट्रेंड है कि हम लोग जब ये लिख रहे होते हैं ओवर सर्विसेज ओवर टीम, देखें जब आपका फ्लायर है ना तो फिर वो जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर वो आपकी ही होगी, तो फिर ओवर टीम और अबाउट अस वगैरह नहीं लिखते हम, सिर्फ अबाउट या कॉन्टैक्ट या इस तरह की चीज़ लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये जस्ट पुरानी चीज़ें थी, ओवर टीम ओवर वर्क वगैरह। ठीक है, तो ओवर वगैरह या अस वगैरह नहीं यूज़ करते अब। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्स्ट आ जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। जस्ट सेकेंड, हम टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हमने लिखा भी हुआ था। ठीक हो गया, इधर से इस तरह टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे एक स्पेस है उसके अंदर ये वाली। ठीक है,
इसमें से हाइफ़न हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा नीचे लें। ठीक है जी, ओके। इसमें मुझे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर करने दें और इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप जो था ना बहुत कम था, इसकी वजह से वो बैनर की फील नहीं आ रही थी। अब ये किसी हद तक ठीक है। इसमें एक सेकेंड, इसके अंदर हम लोग इसको बड़ा करें या इसको छोटा ही रहने दिया जाए? ठीक है, इतना हद, इस तरह ठीक है। चलें अब इसके हम नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करते हैं। राइट साइड पे आ जाएं, सेम उसी तरह से हम लोग इसी की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ बैकग्राउंड की। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट हम लोग ये वाली शेप क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है इसके अंदर, ये देखने में थोड़ी सी आपको न्यू लग रही है, अजीब सी लग रही है, लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। सिंपल, पहले हम डायमंड शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ से इमेज को ले लेता हूँ उस तरह का। अभी सारी आंटियाँ कहाँ से आ गई हैं अचानक से? एक सेकेंड, इसमें क्रॉस उस तरह नहीं आएगा, ये ठीक है, इसी से रेलेवेंट नीचे इमेजेस होंगे। ठीक है, सो ये हमने इमेज ऐड कर दिया इसमें। ये इसके बैक पे लेके और इसके साथ बिल्कुल अलाइन करके दोनों को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, मसला ये है कि हमारी पूरी टीम गायब हो गई है इसमें से, तो ये इमेज हमारा काम का नहीं है। वापस आ जाते हैं, कोई और इमेज देख लेते हैं जिसमें थोड़ी टीम नज़र आ रही हो, ये ट्राई कर लेते हैं। अजीब फंकी सी है, इसमें नहीं मज़ा आ रहा। अबे ऐसे कौन ऑफिस आता है यार? एक सेकंड, ये ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा करेंगे और थोड़ा सा इसको इस साइड से, ठीक है, और इसको अरेंज सेंड टू बैक, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास एक इमेज आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि क्रॉस कैसे बना हुआ। तो क्रॉस बहुत सिंपल है जी, कोई इसमें साइंस नहीं है। सिंपल, आप लोगों ने इस तरह से लाइंस क्रिएट करनी है अपने बैकग्राउंड के कलर की और शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से रोटेट कर लेना। और अब इसको यहाँ पे आप लोगों ने अपने इमेज के जितना रख लेंगे और इमेज को इसको आपस में सेंटर और मिड लाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और एक और इसी तरह की कॉपी क्रिएट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करें और एक और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। इन तीनों को सेलेक्ट करके इनको सेंटर और मिड कर लें तो ये आपके पास क्रॉस बन जाएगा। सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ इन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे हल्की सी लाइन वाला एक दिया हुआ है, सेम वही शेप हम यहाँ पे दोबारा क्रिएट कर लेते हैं और इसका कलर हम ये वाला कर लेते हैं।
ठीक हो गया, और इन दोनों को हम सेंड टू बैक, ठीक है जी। इस तरह से वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे ले आते हैं और इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। ये हम इसको सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो। गाइड्स हाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा मैं कि क्या बना है अभी तक। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चीज़ आ गई है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अबाउट अस वगैरह आ रहा है, उसको हम लिख लेते हैं। ये इसने यहाँ पे पोर्टफोलियो की जगह भी बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर, और इसके अलावा टेक्स्ट भी आ सकता है। चलें यही ले लेते हैं टेक्स्ट। ठीक हो गया, और इसको लिख देंगे व्हाट वी डू। व्हाट मेक्स डिफरेंट ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, और इसको आप करेंगे थोड़ा सा छोटा ताकि यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकें। टेक्स्ट लेने के लिए मैं यहाँ से एक फोकस लैब की एक वेबसाइट है, फोकस लैब, फोकस ये वाली, टेक्स्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। और ये आ जाएगा इस जगह पे। और इसका हम टेक्स्ट छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया। टेक्स्ट की क्वांटिटी कम लग रही है। यस, ये अच्छा। ठीक है जी, यहाँ पे भी उन्होंने कोई टेक्स्ट ऐड किया हुआ है हमारे पास। हमने इनको अनग्रुप कर लिया था। एक चीज़ ये भी है कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और रफ फील देने के लिए इसको इस तरह से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, हम सारी इसको कॉपी नहीं करते, खुद इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, राइट साइड बिल्कुल सिंपल है, सेंटर में टेक्स्ट है, टेक्स्ट अब वो वाला ले आते हैं जो हमने ऊपर छोड़ा था इसका। ठीक हो गया, और इसके बाद बाकी इसके अंदर आप यहां से ये वाली शेप सेट कर लोगे इस तरह से, ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करें इसको। ओके करें, ये सारे शेप्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। और नीचे आप चाहो तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर ऐड करना है तो website.com। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि YouTube पे जब कोई वीडियो अपलोड करता है किसी ट्यूटोरियल वगैरह की तो पीछे म्यूज़िक क्यों लगाते हैं।
ठीक है जी। सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसका जो साइड पे कचरा वगैरह है इसको सारे को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से पहले 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये सब को सिलेक्ट करके क्लिप कर रहा हूँ ताकि ये साइडों वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये अब मैं चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, सो हम लोगों ने एक फ्लायर क्रिएट कर लिया है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ से फ्री पिक से देख लेता हूँ कोई मॉकअप वगैरह पड़े में इसके ट्राईफोल्ड के। ठीक है, ये मॉकअप्स वगैरह इसमें पड़े हुए हैं, आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करने बैठ गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मॉकअप बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, ये इसमें काफ़ी मॉकअप्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ये इशू आ रहा है कि ये जो जगह है ना ये खाली है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। एक सेकेंड। इसमें से 1 सेकेंड, ये ठीक है। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा बेहतर कर दूं ताकि आप लोग और इसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम चीज़ को कैसे फिलअप कर सकते हैं। कोई जगह खाली खाली लग रही हो तो वो कैसे ऐड हो सकती है उसमें चीज़। इसको हम ले आते हैं अब आगे। एक सेकेंड, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे सबको। और अरेंजमेंट टू फ्रंट, और इसकी कैपेसिटी वापस में थोड़ी सी यहाँ से डार्क कलर ले लेते हैं, यू कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा इमेज का ओवरले दे सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा फिल हो जाएगा। चलें, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।